हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लटक बीम के बारे में। लटक बीम क्या होता है और इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं। बेसिकली लटक बीम को हम टेक्निकली टी बीम कहते हैं और हर इंजीनियरिंग क्लासेस में हमने टी बीम के बारे में पढ़ रखा है और इसकी डिजाइनिंग समझ रखा है। तो इस टी बीम को ही लटक बीम कहा जाता है। इस टी बीम को ही साधारण भाषा में लटक बीम कहा जाता है क्योंकि ये जो टी बीम होता है इसका जो नीचे का पार्ट होता है वो स्लैब में नीचे की ओर लटक रहा होता है, तो इसलिए हम इसको लटक बीम कहते हैं साधारण भाषा में। अब बात करते हैं कि इस लटक बीम को क्यों दिया जाता है, यानी कि इसके क्या एडवांटेज हैं। देखिए, जब क्या होता है, जब बड़े हॉल होते हैं या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम जिनके स्लैब बहुत स्लैब का स्पान बहुत ज़्यादा होता है, तब उस वक्त जब इस स्लैब को सपोर्ट करने के लिए इस लटक बीम को दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो लोड होता है, जो स्लैब में लोड आ रहा है और स्लैब का खुद का लोड, वो उस लटक बीम से होता हुआ कॉलम पर ट्रांसफर होता है और कॉलम से फिर फाउंडेशन में और फाउंडेशन से फिर सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या है कि स्लैब में किसी तरह की बैंड नहीं आते और किसी तरह का क्रैक नहीं पड़ता। तो मेनली लॉन्ग स्पान के स्लैब के लिए ही लटक बीम को दिया जाता है। तो ये मेन रीज़न होता है लटक बीम को देने का। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज सबसे मेन ये है कि जब लटक बीम को हम स्लैब में नीचे की ओर देते हैं तो जब नीचे से हम इसको देखते हैं तो ये जो स्लैब का जो पूरा एरिया होता है वो थोड़ा सा भद्दा से दिखता है, और साथ साथ जब इसमें हम फॉल सीलिंग का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी ये लटक बीम हमें डिस्टर्ब करता है। नॉर्मली बीम का जो साइज होता है वो 9 इंच बाय 12 इंच होता है और मिनिमम 9 इंच बाय 9 इंच देना ही होता है। तो जो लटक बीम का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि उस स्लैब पर कितना लोड आ रहा है और कितने स्टोरी का बिल्डिंग बनाया जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग इस लटक बीम का डिज़ाइन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।